जय बद्री मिसाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल अपने गांव से, और मेरा नाम है रंजना राणा। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और अभी सुबह के बज गए हैं 10, हम तैयार हो रखे क्योंकि आज हम सबसे ऊपर टॉप में जाने वाले जंगल, मैं, खुशी, ऋतिक, और बारिश हो रही है बहुत भयंकर वाली, और बारिश की वजह से जा रहे हैं क्योंकि ये बोल रहे हैं ऊपर टॉप में फ़ोटोशूट करने के लिए जाते हैं कि, और मुझे रितिक की कॉल आ रही है, उसे कॉल कर। तो रितिक को हमने थोड़ा दुकान भेज रखा है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वहाँ जा रहे थे कुछ बनाएंगे, तो दो मैगी के पैकेट, पहाड़ों वाली मैगी। तो अभी फ़िलहाल हम तैयार हो रखे हैं, और लाइट तो कल से नहीं है, ब्लॉग थोड़ा बहुत मैं बना ही रही हूँ, और मैं मतलब ज़्यादा ज़्यादा क्लिप नहीं निकालूँगी, थोड़ी बहुत निकालूँगी कि क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ ना हो जाए इसीलिए। और बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में, देखते हैं मेरे फ़ोन का चार्ज कहाँ तक चलता है और कितना एंजॉय करते हैं हम, देखते हैं। तो बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में, थोड़ी देर में निकलेंगे हम घर से। तो अभी अचानक प्लान बना हमारा, तो हमने थोड़ा बहुत सामान रख लिया, वरना हम अकेले नहीं जाते, हम औरों को भी बोलते, अंकु औरों को भी बोलते, लेकिन अंकु और भी आजकल व्यस्त है, उनकी रोपाई हो रही है तो वो व्यस्त ही है। मतलब अभी मतलब रोपाई भी क्या है, लेकिन पानी तो है नहीं, लेकिन वो व्यस्त ही है फिर भी। और उसकी दादी की तबीयत भी ख़राब थी तो इसीलिए नहीं बोला, फिर अच्छा नहीं लगता, वो अपने दादी के साथ ही हमने थी। और अभी फ़िलहाल हम घर से निकल रहे हैं, ऋतिक में और खुशी, बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। तो हम जाने वाले हैं ऊपर टॉप में, तीनों के तीनों तो लगे हुए यहाँ पर रास्ते में अभी। दोस्तों यहाँ देखो गाड़ी कितनी भयंकर वाली आ रही थी यहाँ पे, यहाँ देखो आप लोग ने ये पुल यहाँ पे पहले भी देखा होगा, इतना पानी नहीं रहता था, लेकिन इतनी भयंकर बारिश हुई। तो दोस्तों अभी रेनकोट उतार दिया हमने, बहुत गर्मी हो रही है, तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी है ना, बारिश सुबह कितनी भयंकर हो रही थी, अभी पूरी बारिश रुक चुकी है, पर अभी थक लग रही है बहुत ही ज़्यादा, कपड़े हमने ऊपर इसलिए कर रखे हैं ताकि क्या ना हो कीचड़ ना पड़े। तो आप कब से ऊपर टॉप में जाके बिताएंगे, रित्य को देखने किसी जा रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं, मुड़िया सोड़ा आ गया, अभी हम मैं नाम भूल जाती हूँ, और नीचे गांव बहुत दूर है, आधा चल के आ गए। और जो हमारे पास ये थैला है यार, नीचे से अपने घर से यहाँ तक मैं लेके आए, यहाँ ऊपर तो खुशी लेके जाएगी, फिर मथियाकुंड तक रित्य लेके जाएगा, बारी लगा रखी भाई इसकी भी। तो अभी यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है, ये यहाँ नीचे व्यू देखना कितना प्यारा लग रहा है। और अभी हम कुछ भी नहीं आए, अभी हमें ऊपर टॉप में जाना है जहाँ के हमारे गांव वालों के मेले है, जहाँ लोगों की बहस आने वाली है 15 तारीख से, और लोग इतनी दूर से इतनी दूर तक मतलब 2-3-4 चक्कर पता नहीं कितने चक्कर लगाएंगे, तो सो सकते हो। यहाँ सबसे ऊपर टॉप में आके इतनी मस्त हवा आ रही है ना, क्या ही बोलूँ, बहुत ही प्यारी सी, और मतलब बहुत ही अलग सुकून मिल रहा है यहाँ आके। और आज बिल्कुल भी थकने लग रही क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, और ऊपर से हुड भी पहन रखा, कभी कभी गर्मी भी हो रही है। तो आपको अब सीधे वहाँ ऊपर टॉप में जाके मिलेंगे। तो ये देखो अभी हम आ गए चूरिया कुंड, यहाँ देखो खतरनाक लग रहा है, बस अब सभी यहाँ टॉप में जाना ऊपर, बस उसके बाद हम वहाँ फोटो, चल वहाँ चल। ये देखो यहाँ का व्यू क्या गजब का लग रहा है, तो यहाँ पे माँ जगदी का मंदिर है सिलासोड़, और यहाँ पे एक और मंदिर बन रहा है, ये शनिदेव का मंदिर, आपको वहीं जाके दिखाएंगे किसी और दिन। अभी यहाँ पे ये देखो इनका फोटो शूट चल रहा है, और यहाँ का व्यू देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है, क्या ये देखो फोटो देखो, यहाँ पे कुछ ऐसी फोटो आ रही है गजब गजब की। और ना सच बोलूं मुझे ऐसा लगता है जितना एंजॉय हम करते होंगे ना गाँव आके, हम ऊपर टॉप तक जाते हैं इतना एंजॉय कोई नहीं करता है, मतलब हम पूरे मजे लेते हैं, अभी फिलहाल पूरा घूमते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं, और यही लाइफ है एंजॉय करने का, घूमने का, फिरने का, सब यही है। और अभी यहाँ पे इनका फोटो शूट चल रहा है, ये देखो ये पूरा जो कोहरा कोहरा है, ये देखो इस तरीके से ऊपर ऊपर आ रहा है। और अभी ऋतिक ने बैग पकड़ लिया, अब हम जा रहे हैं यहाँ से, और आपको अब सीधे वहीं जाके मिलेंगे। तो अभी हम ऊपर टॉप में आ गए, यहाँ देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बारिश भी हो रही है, पसीना देखना कैसा छूट रहा है, ब्लॉग में बोला भी नहीं जा रहा कुछ, बहुत थक लग गया यार।
तो हम अंदर देख रहे हैं वहाँ लकड़ी लुकड़ी का कुछ है। हमें थोड़ा बहुत ज्यादा चाहिए बोरी, बस एक लकड़ी और केड़ा है कि मतलब लकड़ी तरह दो ही है। तो हम आगे जा रहे हैं, यहाँ अंधेरा मतलब ये हो रखा कोहरे कोहरे, बहुत ही अंधेरा है। हम ना इतनी बारिश भी हो रही है फिर भी इतना पसीना आ रहा है ना, अभी इतना मोटा इतना मोटा स्वेटर पहन रखा है। ये भी अमित का है, खुशियों मैंने सेम सेम पहन रखा है क्या खुशी, तो ये देखो। तो हम वहीं जा रहे हैं जहाँ हम पिछली बार गए थे, लेकिन यहाँ खुला खुला है इस बार, लोगों ने खुले छोड़ रखे पता नहीं क्यों। ये रीति बोरा टूट रखा है कि क्या करें अब, दूसरी जगह देखते हैं। यहाँ पे भी तो एक इधर देखते हैं अगर कहीं पे मिल गया तो अभी यहाँ दिख रहा है हमें, थोड़ा थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। ये खुले खुले छोड़ेंगे क्योंकि दो चार दिन अब लोग आने ही वाले हैं यहाँ पे, पिछली बार हम इस वाले पे, और इस बार देखते हैं जहाँ अच्छा लगेगा लकड़ी लुकड़ी होगी। तो हम यहाँ से ऐसे लकड़ी करके उतार रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और उधर की साइड चलते हैं आग जगाने के लिए, क्योंकि यहाँ ना ऊपर से लोगों ने पत्थर फेंक रखे, भरोसा नहीं इतनी बारिश में नीचे ना गिर है। तो ये रीति बोरा, यहाँ हमारी भैंस रहती थी कि अक्कू और के ये ध्यान मुकांचता बिता है। तो रीति को हमने पानी लेने के लिए भेज दिया, हम दोनों लकड़ी देखते हैं, तो थोड़ा इधर उधर घूम के देखते हैं, अगर मिल गई तो अंदर ही देखना पड़ेगा क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है, तो बाहर वाली लकड़ी तो बहुत ज़्यादा गीली होगी। ये यहाँ पर रीति चूल्हा बना रहे हैं और बन रखा था वैसे बना रहे, और तीन आठ गाड़ो और बाहर बहुत भयंकर बारिश हो रही, मैंने यहाँ पर अपने लिए बैठने के लिए कुछ ऐसे बना दिया। तो सबसे बड़ा मकसद था हमारा यहाँ फोटो शूट करना, लेकिन बाहर बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही है तो हमें वेट करना पड़ेगा, तब तक हम मैगी मूगी बना रहे थे। ये तो मैगी मूगी तो हम बस ऐसे टाइम पास लेके आए थे, लेकिन हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ोन चार्ज ना भी 20% चार्ज होने की वजह भी, और खुशी का भी ऋतिक का चार्ज है, लेकिन खुशी और मेरे कम कम ही चार्ज है। इतना कम चार्ज होने के बाद भी हम इतने दूर फोटो शूट करने के लिए आ रखे, तो बिना फोटो खींचे नहीं जाएंगे हम बिल्कुल भी। तो हम एक कोक की बोतल लेके आए थे, एक गिलास चाची को दिया, एक गिलास दादी को दिया, और साथ में उनके लिए नमकीन भी लेके आए थे घर में, और अपने लिए हम ये लेके आए बिरयानी, और ये गिलास तो घर में पड़े हुए थे। आप लोग भी आ जाओ दोस्तों हमारे साथ, ये जंगल में ना अलग ही मजा है सब चीज़ों का, है ना। ये ऋतिक और तो आते रहते इधर के साइड। यहाँ पे मैंने इनके लिए कोका कोला रखा हुआ है, ये यहाँ पे आग जगा रहे हैं। और खुशी बता तुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें फर्स्ट टाइम पे आई है, बचपन से बचपन में तो मेरे से ऐसे चले गई थी ना, फर्स्ट टाइम पे आ जाई मैं। ये बाहर का व्यू कुछ ऐसा है अभी, लेकिन हम जा नहीं सकते बारिश भी हो रही है, पर हम पहले ये खाएंगे मस्त करके, शाम को सीधे शाम तक पहुंचा। तेरा फोन रह जाएगा दोस्तों, मेरे फोन में ही फोटोज ऑफ हो जाएगा। अब मेरा फोन ब्लॉक के लिए है, इसका फोन फोटोज के लिए। तो फोन के क्या चला इसकी फोन कर कॉल करने के। तो आई तो हम यहाँ फोटो शूट कर रहे थे, धुआं सारा खराब हो गया यहाँ चूल्हे में, बड़ी मुश्किल से जग रही है आग। तो अभी यहाँ पे बड़ी मुश्किल से आग जग चुकी है, और इसमें मैगी डालेंगे, प्याज टमाटर हम कुछ वैसे तेल तूल वाले नहीं बना रहे, बस सिंपल बना रहे, लगी हुई यहाँ पे खाने पे। पानी बड़ी मुश्किल से गर्म हुआ, आ जाओ आप लोग भी। और दोस्तों पता क्या हुआ, मैगी हम लागे, डूंगा भी हम लागे बनाने के लिए, और कटोरी मैंने तीन कटोरी रखी हुई थी, मैंने तब तक दादी ने बोल प्लास्टिक का बोला, लेकिन दादी ने प्लास्टिक के गिलास बोले, और हमने सोचा मैंने सोचा दादी ने गिलास कटोरी दे दी होंगी, और मैंने जो हमारी कटोरी थी घर पर हमने किसी को बोला वो प्लास्टिक की कटोरी लेके आ, ये वाली मत लेके आ, ना प्लास्टिक की कटोरी ना स्टील की कटोरी। मैगी खाने आ जाओ, एक ऋतिक मैगी मस्त याद आ दोस्तों। ये मैगी देखो, अगर प्याज टमाटर होता ना तो भी खतरनाक लग रहा था इससे ना। अब करो हाथ, करो प्लेट तो कटोरे है नहीं, कुसी कर हाथ ये है मैगी। यहाँ देखो अभी दो बारिश भी कम कम हो चुकी है, मैगी खाने वाले। तो दोस्तों मैगी हम इस पे रख रहे हैं,
थोड़ी सी मतलब साइड रखेंगे, कहीं जंगल जंगल में जाते हैं ना तो मैगी साइड रखनी पड़ती है, तो ये साइड रखेंगे बाहर पे। मैगी हम इस पे रखेंगे और फिर खाएंगे, क्योंकि कटोरी तो हम यहाँ नहीं रखी है, कहीं कुछ नहीं दिया गया। तो अभी हम मैगी खाते हैं, आपको ना आप सीधे मैगी खाने के बाद मिलेंगे। उसको मेरे पीछे देखो धुआं धुआं, और जिस हिसाब से उसमें कुछ भी प्याज टमाटर नहीं था ना, उस हिसाब से बहुत ही टेस्टी हो रही है। बहुत ही मस्त हो रहा है। तभी बोलते हैं अगर जंगल में घर में बनाते ना इतनी टेस्टी नहीं होती, पर जंगल की मैगी बहुत ही टेस्टी होती है। पूरा धुआं हो गया अभी यहाँ, तो बहुत ही ज्यादा धुआं हो रहा था अंदर। धुआं आ रहा था बहुत भयंकर वाला, तो हम बाहर पे आ गए। कोई ना परे पालने के काम घूम रहा। जिस पे मैगी खाई उस पे हम चाय भी बनाने वाले हैं, तो खुशियों में यहाँ पे धारा है, वहाँ पे पानी आता है, तो वहाँ पे पानी लेने जा रहे हैं। ये है यहाँ पे धारा, पहले बोतल पे निकाल ले। जो यहाँ पे ये धारा का पानी है ना, ये बहुत ही ज्यादा साफ है, स्वच्छ है पूरा। उसे यहाँ पे इस तरीके से पानी भर रही है, ये धारे पे ऐसे भरते पानी, और इस पे भी हम पानी लेके चले जाएंगे, क्योंकि अभी इस पे हमने चाय भी बनानी है। असली मेहनत तो यहाँ हो रही है। ये रीति की देखो गीली गीली लकड़ी थी बाहर पे, वो लेके आए बड़ी मुश्किल से जगाने पे लगा यहाँ पे। बस हमें अब चाय बना दी, उसके बाद हम फोटो शूट करेंगे और फिर घर। तो अभी फिलहाल यहाँ पे चाय पत्ती रखी हुई चाय पानी में, और चाय बना रहे हम। घर में तो हम गुड़ वाली चाय पीते, लेकिन यहाँ पे हम चीनी वाली। तो अभी यहाँ पे चाय उबल चुकी है, ये दूध जा रहे हैं यहाँ पे पूरी डाल पे। मुझे लग रहा है जब हम खुशी को घर में चाय बनाने के लिए बोलते हैं, पूरे छुपी छुपी काम करते हैं ना। मैगी तो हमारी बहुत देर में बनी, लेकिन ये ना हमने डूंगा पका रखा था हाथ से चाय का, तो इसीलिए देखो चाय कितने अच्छे से उबल गई यहाँ पे। हाँ, हम सबके सब अपने अपने फोन पे ऐसे करके वीडियो ले रहे हैं बाहर पे आके, और हम पी रहे चाय, पहाड़ी चाय पी रहे हैं। ये देखो यहाँ पे, तो एक एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं खुशी के फोन पे, क्योंकि मेरे फोन पे इतना वो नहीं है। तो चलो चलो, तो बहुत ही मजा आ गया चाय पी के, और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, पर यार अंकु होते ना और भी मजा आता। अंकु को कर रहे ज्यादा मिस, क्योंकि वो हमारे टाइम हर जगह जाती थी, लेकिन मैंने नहीं बोला यार उसको, क्योंकि हमारा अचानक से प्लान भी बना। ऊपर से बोली रही थी मैं, उसकी दादी की तबीयत भी ख़राब हो रखी थी थोड़ी बहुत, तो इसीलिए ऊपर से उनके घर में मतलब अभी उनकी रोपाई भी नहीं हुई, तो मैंने सोचा कहीं वो वहाँ ना जाए मतलब वहाँ पानी पुनी लगाने के लिए, तो इसलिए नहीं बोला मैंने। तो अभी फिलहाल इंजॉय हमने बहुत कर लिया, फोटोज़ खींचते हैं उसके बाद घर निकालते हैं। हम यहाँ से अलविदा लेते हैं और जाते हैं घर की साइड फ़ोटो शूट करते करते, तो बस दो चार दिन आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ रौनक की रौनक होगी, लोगों की भैंस होगी यहाँ पे, और लोग भी आते रहते हैं। और ये देखो किस कुछ तरीके से कुछ कुछ ने लोगों ने तो ये तोड़ दिया साइड से, या टूट गए होंगे, और अभी हम फोटो शूट करने जा रहे हैं। दोस्तों हम ना यहाँ पे किसी के मेड़े में फ़ोटो शूट करने गए थे, और लोगों ने ना ये कुछ इस तरीके से बंद कर रखा था, तो हम भी बंद कर रहे हैं, तो हम भी किसी का नुकसान नहीं करते कभी भी। जहाँ जाते हैं मतलब अगर हमने वहाँ खाना, जहाँ भी जाते हैं हम किसी का नुकसान नहीं करते, जैसे हम वहाँ गए तो वहाँ भी हमने पूरा साफ किया, या हमने फ़ोटो शूट करने के लिए खोला था, तो ये हम इस तरीके से बंद कर रहे हैं कुछ, ये देखो जैसे लोगों ने बंद करके रखे हुए। तो अभी हम घर जा रहे हैं, बारिश हो रही है, आपको अब सीधे घर जाके मिलेंगे, क्योंकि फ़ोन चार्ज भी नहीं है ज़्यादा, और जिस हिसाब से फ़ोन चार्ज हुई था उस हिसाब से बहुत सही चला। एक बार यहाँ का पूरा व्यू देख लो, ये देखो बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का, और आप लोग भी आओ कभी हमारे गांव में घूमने के लिए। देखो यहाँ से ना, यहाँ देखो नीचे हमारे गांव का व्यू गजब का, मस्त हूँ ना। अभी यहाँ पे इनकी रेल्स बन रही है, और कोहरा ही कोहरा छा गया है, यहाँ से घर जाना है। देखो कुछ दिख भी नहीं रहा है, फोन बस 1% चार्ज है, और आपको ना अब सच में सीधे घर जाके मिलेंगे, क्योंकि अभी हमने रील्स भी बनाए तो ज़्यादा चार्ज नहीं है फोन। यहाँ से देखो व्यू कुछ ऐसा आ रहा है, और अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, और जब हम ऊपर गए आज हम फोटो तय की खींचे थे,
नीचे ऐसे टाइम देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ना, ये भी कुछ मतलब कर रहे थे, टेंट लगा रखे इन्होंने। अभी हम पहुँच गए हैं, बस थोड़ा पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर से घर। ये देखो यहाँ गदरा ना पहन कर, यहाँ देखो ये दोनों के दोनों पागल हो चुके हैं यहाँ पे।